चिश्तिया में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन का एहतजाज करते हुए का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके उल्टा हमें नौकरियों से महरूम करके हमसे भी दो वक्त का निवाला छीन रही है। हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का हुकूमती इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर तबका पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत गरीब आदमी को रिलीफ देने की बजाय उल्टा एशिया खुदनोश में रिलीफ देने का वाहिद दारा यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके हमें भी बेरोजगार करके दो वक्त खाने वाला छीन रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपने फजूल खर्चियाँ बंद करके इस इकदाम को वापस से अगर ऐसा ना किया गया तो हम एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करके मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। राना हसन महमूद द ग्रेट न्यूज़ चिश्तियाँ। 12,000 घरानों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग जाएगा और हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि इस इदारे को चलने दिया जाए, इसको ना बंद किया जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों की जो अखराजात हैं, ये सब लोग जो जितने भी हैं ये यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लॉयज़ हैं और मेरे समेत सब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम लोग पहले ही इतना कमाते हैं कि हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है और ऊपर से ये इदारा जो बंद हो रहा है, इसलिए हम लोग बड़े परेशान हैं। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसको बंद ना किया जाए, गरीब लोगों की आरजू सुनी जाए। बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया।